हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने हैं या फिर ऑफलाइन? दोस्तों, अगर आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाने हैं तो किस तरीके से करने होंगे और ऑफलाइन जमा करने हैं तो किस तरीके से करने होंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपना टिप्स गुरु चैनल जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर पाए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए तो सिंपली आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करके उन्हें आपको सोल्व करना होगा। सोल्व करने के बाद में आप उन्हें अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे जमा करवा देंगे। ये तो है दोस्तों ऑफलाइन वाला प्रोसेस, जिसमें आपको मैन्युअली अपने स्टडी सेंटर जाना होगा, वहाँ पर जमा करना होगा। असाइनमेंट किस तरीके से बनाने हैं, इसके लिए मैंने पहले से वीडियोज़ बनाई हुई हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आप चैनल को विजिट करके और उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपके जो असाइनमेंट्स थे उन्हें ऑनलाइन सबमिट किया गया था। इसी तरीके से दोस्तों, अभी दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो असाइनमेंट सबमिट होंगे उनके लिए भी एक रीजनल सेंटर की तरफ से ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करने होंगे। सो दोस्तों, डायरेक्टली चलते हैं उसी इन्फॉर्मेशन पे। दोस्तों, ये है दिल्ली 3 का रीजनल सेंटर, जिसकी तरफ से आपके लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। न्यूज़ एंड इवेंट्स में आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन असाइनमेंट्स। आप इसे यहाँ पे नो मोर को क्लिक करके और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली आपके असाइनमेंट्स ऑफलाइन सबमिट होते हैं, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से आपको अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऑनलाइन जमा करने के लिए आपको अपने असाइनमेंट की पीडीएफ बनानी होगी। पीडीएफ किस तरीके से बनानी है, इसके बारे में भी मैंने पहले से वीडियोस बनाई हुई हैं। सो दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के और पीडीएफ बनाने का पूरा प्रोसेस सीख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई है उन्हें आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली 4 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं एक एक पॉइंट को एक एक करके डिटेल में कवर करूँगा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन, आप इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पीडीएफ आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके असाइनमेंट सबमिशन के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट दी गई है, 30th September 2020। इसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी ऑफ असाइनमेंट्स टू बी सबमिटेड टू योर अलॉटेड स्टडी सेंटर्स ईमेल आईडी ओनली। आपका जो स्टडी सेंटर है उसी के ईमेल आईडी पे आपको अपने असाइनमेंट्स को मेल करना होगा। अगर आप किसी और के स्टडी सेंटर पे मेल करते हैं तो आपके असाइनमेंट्स को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स डायरेक्टली जो आपके स्टडी सेंटर की तरफ से ईमेल आईडी दिया गया है उस पर जमा करने होंगे, और आपके असाइनमेंट्स के लिए आपके स्टडी सेंटर्स ने या आपके रीजनल सेंटर ने जो भी टर्म्स कंडीशंस, जो भी गाइडलाइंस, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके हिसाब से ही जमा करने होंगे। सेकंड पॉइंट में दिया है कि आपको उसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे अपने असाइनमेंट जमा करने होंगे जो आपके स्टडी सेंटर की तरफ से दिया गया है। आप अगर किसी और ईमेल आईडी पे मेल करते हैं तो आपके असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में दिया है दोस्तों कि लर्नर विल सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन सोल्ड असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ आई कार्ड एंड असाइनमेंट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 3 चीज़ें जमा करनी होंगी, एक तो अपने हैंड रिटन सोल्ड असाइनमेंट, और साथ ही आपको स्कैन कॉपी ऑफ आई कार्ड, और साथ ही आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स के पास में आईडी कार्ड नहीं है वो सभी स्टूडेंट्स भी चैनल को विजिट करके और आई कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि जो आप अपना पीडीएफ का नाम देंगे, हर पीडीएफ फाइल का एक नाम रहता है, उसे किस तरीके से नेम देना है वो यहाँ पे कुछ यूनिक फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले आपके इनरोलमेंट नंबर रहेंगे, उसके बाद में आपका कोर्स कोड रहेगा, इसी तरीके से आपको उसे नेम देना होगा।
पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है कि जब आप ईमेल करेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी, इनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर नेम, स्टडी सेंटर कोड और आपके कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी और के ईमेल आईडी से अपने असाइनमेंट्स मेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में बताया है कि अगर किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी गलती मिलती है तो उसके असाइनमेंट उसको रिटर्न कर दिए जाएंगे और आप उसे करेक्ट करके फिर से जमा करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में दिया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स A4 साइज़ के पेपर में बनाने हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने भी आपको बताया हुआ है कि आपको A4 साइज़ या फिर प्रैक्टिकल शीट्स में बनाने हैं। अगर आपके पास में A4 साइज़ पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल शीट्स नहीं है, तो आप किसी भी राइटेबल मतलब रजिस्टर्स में भी अपने असाइनमेंट बना सकते हैं और उसके बाद में उसे फ़ोटो क्लिक करके उसका PDF बना के यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में दिया है दोस्तों कि जब आप अपने असाइनमेंट्स मेल करते हैं तो जो उसका सेंट रिपोर्ट रहता है वही आपके असाइनमेंट सबमिशन की रिसिप्ट रहेगी। आपको अलग से असाइनमेंट जमा करवाने के लिए कोई भी रिसिप्ट नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 9 में दिया है दोस्तों कि आप अपने असाइनमेंट्स को अलग अलग करके भी ईमेल कर सकते हैं। अगर आपकी PDF की साइज़ बड़ी हो जाती है, एक बार में अटैच नहीं हो सकती है, तो आप अलग अलग करके उन्हें ईमेल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ईमेल करेंगे तो आपको ये जो पॉइंट नंबर 5 में इंफॉर्मेशन दी है कि ये सभी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होंगी, तो हर बार ईमेल में आपको ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 10 में दिया है कि आप अपने असाइनमेंट्स को गूगल ड्राइव के थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। दोस्तों गूगल ड्राइव में आप अपने असाइनमेंट्स को अपलोड कर देंगे, उसके बाद में जो उसका लिंक रहेगा वो आपको अपने स्टडी सेंटर को फॉरवर्ड करना रहता है। पॉइंट नंबर 11 में इम्पॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों, रिटेन हार्ड कॉपी ऑफ द असाइनमेंट्स सेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि आप जो अपने असाइनमेंट्स का PDF बना के मेल करेंगे उनकी जो हार्ड कॉपी है, जो ओरिजिनल है, वो आपको बचा के रखने होंगे अपने पास में। अगर फ्यूचर में आपके स्टडी सेंटर वाले या आपके रीजनल सेंटर वाले आपसे उन असाइनमेंट्स की हार्ड कॉपी मंगवाते हैं तो आपको वो भी जमा करनी होगी। सो दोस्तों ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडी सेंटर्स लिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स फॉर टामेड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020। आप इसे क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों RC दिल्ली में जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। सभी के लिए या तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है या फिर ईमेल आईडी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसी फाइल के लास्ट पेज में कुछ ऐसे दो कॉलेज है जिन्हें अभी बंद कर दिया गया है, दो स्टडी सेंटर्स को बंद कर दिया गया, उर्वी विक्रम नेशनल सेंटर फॉर एडोलेसेंस और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली जैन पब्लिक स्कूल, इन दोनों को बंद कर दिया गया। इनमें जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी के यहाँ पे एक नया स्टडी सेंटर उनको अलॉट कर दिया गया। जो भी BA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलग स्टडी सेंटर का कोड दिया हुआ है, BSW के स्टूडेंट्स के लिए अलग से, MSW के लिए अलग से। इस तरीके से आप एक बार अपना प्रोग्राम कोड के हिसाब से जो आपका स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से अपने असाइनमेंट्स जमा करवाने होंगे, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2020 के लिए अपने असाइनमेंट जमा करवाए थे, अगर आपने कोई असाइनमेंट मिस कर दिया है तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से करने हैं। लेकिन दिसंबर 2020 टामेंड एग्जामिनेशन के लिए सभी स्टूडेंट्स फ्रेश हैं, सभी नए स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप एक बार इसे चेक कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में या तो आपके लिए एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दिया गया है या फिर कोई एक लिंक दिया गया है। दोस्तों जैसे कि ये फर्स्ट वाले में लिंक दिया गया है, इसी तरीके से किसी स्टडी सेंटर की तरफ से डायरेक्टली यहीं पे ही ईमेल आईडी दे दी गई है। सो जो भी लिंक दिया हुआ है आप उसे एक बार क्लिक करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला लिंक है आप इसे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर स्टडी सेंटर है उसकी तरफ से भी अलग से इन्फॉर्मेशन या नोटिस जारी किया गया है। सो दोस्तों ये है आर्यभट्टा कॉलेज स्टडी सेंटर कोड 0709। इसकी तरफ से बताया गया है कि आपकी जो PDF की साइज़ रहेगी वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और किस तरीके से आपको अपना PDF का नाम देना है उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही दोस्तों आर्यभट्टा कॉलेज की तरफ से यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया गया,
आप जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके लिए कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ये है दोस्तों गूगल फॉर्म का लिंक, जहाँ पे कि आपको अपने असाइनमेंट्स डायरेक्टली अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ईमेल एड्रेस, नेम ऑफ द लर्नर, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, इन सभी के लिए पहले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2020 के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे उस टाइम पे भी काफ़ी रीजनल सेंटर्स की तरफ से गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया था। तो दोस्तों उसके लिए मैंने अलग से एक गूगल फॉर्म का असाइनमेंट सबमिशन का वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको अपनी PDF फाइल अपलोड करनी है, कहाँ पे आपको क्या क्या मेंशन करना होगा। इसी तरीके से दोस्तों जो आर्यभट्टा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई, आपका जो भी कॉलेज है, जो भी आपका स्टडी सेंटर नेम है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। जैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है, आपके जितने भी पर्टिकुलर स्टडी सेंटर्स हैं आप उन्हें चेक करके और उनके सामने जो भी ईमेल आईडी या जो भी लिंक दिया हुआ है उसको फॉलो करके ही अपने असाइनमेंट्स को जमा करवाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अभी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपने असाइनमेंट सबमिट कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में काफ़ी सवाल रहते हैं। उन सभी सवालों के जवाब दोस्तों मैंने अभी आपको वीडियो में दे दिए हैं, फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे इसे क्लिक करके और इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ 10-12 सवाल हैं जो कॉमन सवाल हैं, जो कि आपके माइंड में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, तो उन सभी के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं कि कहाँ से हमें अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, किस तरीके से उन्हें जमा करना है, लास्ट डेट क्या है, क्या हम टाइप फॉर्मेट में अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। इस टाइप के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उन सभी के लिए आपको यहाँ पे आंसर्स दे दिए गए हैं। दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आपके असाइनमेंट से संबंधित अगर कोई भी और कन्फ्यूजन्स है या कुछ और प्रॉब्लम है तो आपके हर पर्टिकुलर स्टडी सेंटर की तरफ से एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दी गई है, किसी पर्टिकुलर जो कंसर्न पर्सन है, जो प्रोफेसर हैं या आपके जो भी ट्यूटर हैं उनके लिए भी एक लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट ईमेल ऑफ स्टडी सेंटर फॉर असाइनमेंट रिलेटेड एंड अदर क्वेरीज ग्रीवेंसेज, आप इसे क्लिक करके और इसका जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं उन सभी के लिए जो पर्टिकुलर पर्सन है उनका ईमेल आईडी यहां पे आपको दिया गया है, आप उनसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप उन्हें ईमेल करके और आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये भी कुछ 6 पेज का लिस्ट है, आप इसे डाउनलोड करके और इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन जमा करवाए थे या ऑफलाइन जमा करवाए थे, आपके असाइनमेंट सबमिशन का स्टेटस टाइम टाइम पे इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता है, आप यहाँ पे अपना असाइनमेंट का सबमिशन स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपका सबमिशन स्टेटस अपडेट नहीं हो पाता है तो लास्ट डेट से पहले आप भी अपने असाइनमेंट्स को एक बार फिर से जमा करवा दीजिएगा। अगर आप अपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाते हैं तो ग्रेड कार्ड में आपका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी। साथ ही दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स बनाने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।